हेलो एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। मैं नामिका, जिस शो में आपको बताऊंगी श्रीदेवी और काजोल की तरह सक्सेसफुल कमबैक करना सबके बस की बात नहीं। जी हाँ, फिल्मों में शादी के बाद कमबैक करने पर किन स्टार्स को फ्लॉप एक्टर का खिताब है मिला, इन सब पर करेंगे बात। सो बी विद द शो। चलिए शुरू करते हैं डर्टी गर्ल विद्या बालन से, जो अपनी फिल्मों को चूज करने से पहले काफी बार सोचती है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लॉप का टैग अपने नाम कर चुकी है। कभी परिणीता कभी कहानी से सबका दिल जीतने वाली साथी, डर्टी गर्ल का टैग अपने नाम कर चुकी विद्या बालन का करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी हिट कभी फ्लॉप, लेकिन फिल्में करने के लिए बिल्कुल तैयार विद्या। लेकिन शादी के बाद विद्या बालन का करियर एकदम से डाउन हो गया। उनकी तीन फिल्में जैसे घनचक्कर, बॉबी जासूस और शादी के साइड इफेक्ट्स लगातार फ्लॉप रहे, जिसका असर उनकी इमेज पर पड़ा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हमारी अधूरी कहानी भी एवरेज ही साबित हुई। लेकिन विद्या को अपने पर खूब है भरोसा, तभी तो फिल्मों से नाता तोड़ते हुए नहीं दिख रही। फ्लॉप फिल्मों के बाद भी विद्या का जोश अभी भी है कायम और अगले प्रोजेक्ट पर जुटने के लिए बिल्कुल है तैयार। भाई ये भी बताना जरूरी है कि विद्या फिल्म का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करती है, लेकिन रिलीज के बाद उनके फेस की चमक कुछ और ही कहती है। वेल, विद्या आपके लिए तो एक ही बात कह सकते हैं कि होप फॉर द बेस्ट। अब बारी आती है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की, जिन्होंने शादी करके कई लोगों का दिल तो तोड़ा ही, साथ ही में अपने सक्सेसफुल टैग को अनसक्सेसफुल टैग में भी बदल दिया। कभी अखियां मिला के तो कभी अखियां चुरा के, साथ ही अपनी हिट फिल्मों की गिनती करते करते धक धक गर्ल का अंदाज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। अपने सक्सेसफुल करियर को छोड़ मैडम ने थामा राम का हाथ और शादी के 5 साल बाद यशराज फिल्म्स की आजा नचले से की कमबैक। लेकिन ये फिल्म बुरी तरह रही फ्लॉप। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का किया रुख, जहां उन्हें सक्सेस मिली। मगर 7 साल बाद साल 2014 में उन्होंने फिर से बतौर एक्ट्रेस कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दोनों फिल्में डेर इश्किया और गुलाब गैंग बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई। मतलब उनकी वापसी नाकामयाब रही। देखना दिलचस्प होगा कि अब माधुरी कब दिल धड़काने के लिए होती है तैयार। क्या अब है मैडम सक्सेस लेडी बनने के लिए तैयार? Now let's move on to next flop actress, that is नवाब की बेगम करीना कपूर खान। जहां पहले फेविकॉल से सबका दिल जोड़ दी, तो वही अब मैरी बन दिल तोड़ती दिखी। छमक छल्लो बेबो अपनी हलकत जवानी से फेविकॉल लगाते, जहां कहती दिल मेरा मुफ्त का, उस अदा का जादू अब मैरी बनकर उतना नहीं चल पा रहा। जी हाँ, शादी से पहले तक करीना कपूर फैंस की चहेती एक्ट्रेस थी, लेकिन शादी होते ही उनका करियर जिसे डाउन होने लगा। हालांकि उन्होंने फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया था, लेकिन फिर भी शादी के बाद रिलीज हुई उनकी सभी फिल्में जैसे तलाश, सत्याग्रह और गोरी तेरे प्यार में फ्लॉप रही। और जो भी फिल्में हिट हुई जैसे सिंघम रिटर्न्स, बजरंगी भाईजान, उनमें उनका रोल ना के बराबर था। भाई करीना से ये उम्मीद ना थी कि शादी के बाद उनका फोकस फिल्मों में कम और सैफी मियां में ज्यादा रहेगा। क्या करीना आप सैफी के साथ साथ थोड़ा अपने फैंस के बारे में भी सोच लीजिए। अब बेबो के बाद लोलो की आती है बारी, तो चलिए बता दे, जहां बेबो को छोटा सा रोल है मिलता, वही लोलो की किस्मत में कोई फिल्म ही नहीं।
करिश्मा कपूर ने अपने करियर के पीक पर शादी की, जिसके बाद फिल्मों से मैडम ने बना ली दूरियां। लेकिन शादी के अनसक्सेसफुल होने के बाद मैडम को फिल्मी दुनिया की याद सताने लगी। जी हाँ, शादी टूटने के बाद लोलो ने फिल्मों में कदम रखने का डिसीजन लिया। उन्होंने फिल्म डेंजर्स इश्क के जरिए कमबैक की कोशिश की, लेकिन इस फिल्म की असफलता ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब अगर पहले से नाता ना तोड़ती तो शायद मैडम के लिए फिल्मों में टिकना पॉसिबल था। खैर, अपने कमबैक से दर्शकों को फिर से अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट ना कर पाई हो, बट ये कहना गलत ना होगा कि उनकी अब तक की फिल्मों का जादू अभी तक दर्शकों के जुबान और सर चढ़कर है बोलता। बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी की अगर करें बात, तो शादी से पहले मैडम का आइटम नंबर हुआ करता था झक्कास, और शादी के बाद भी सुपर हिट आइटम नंबर की थी आस, लेकिन पब्लिक को नहीं आया रास। पतली कमर लचकाकर सबको शट अप कर देने वाली एंड यस फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी का करियर हमेशा एवरेज रहा है। ना कभी वो बहुत डिमांडिंग लिस्ट में रही और ना ही फ्लॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में, लेकिन हाँ, दर्शकों को इनकी फिल्म का इंतजार जरूर रहता था। बट अब मैडम ने ठान लिया है कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी। तभी तो शादी के बाद अब उन्होंने एक्टिंग तो नहीं की, लेकिन फिल्म प्रोड्यूस करने की कोशिश जरूर की, जो कुछ खास कामयाब नहीं हुई। उनका आइटम नंबर होने के बावजूद फिल्म को कुछ खास फायदा नहीं मिला, लेकिन हाँ, फिल्मों में काम करेगी या नहीं एज अ एक्टर, इसका मैडम ने खुलासा अभी तक नहीं किया। फिलहाल अभी शिल्पा अपने हबी और बेबी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस की जो इस तरह छाई, जिनकी येलो साड़ी का ट्रेंड खूब चल पड़ा, लेकिन शादी रचाई तो ट्रेंड तो दूर की बात, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में चलना बंद हो गई। टिप टिप बरसा पानी में अपने सेक्सी लुक से जहां सबके दिलों पर और जुबा पर छाई रवीना टंडन, वही कुछ टाइम के लिए मैडम की डिमांड हुई कम। जहां माधुरी करीना करिश्मा को मिले ऑफर्स ही ऑफर्स, वही रवीना तरसती दिखी एक ऑफर के लिए। और तो और, जहां पहले बी टाउन की गलियारों में था इनका आना जाना, कुछ पल के लिए उन गलियारों में जाना थम सा गया, या यूं कहे फिल्मी दुनिया ने इन्हें फुल टू इग्नोर किया। लेकिन सबका टाइम आता है बॉस, और रवीना का भी आया। जब रवीना को फिल्म बॉम्बे वेलवेट का मिला ऑफर और फिर से छाई सुर्खियों पर, अफसोस, अपने एक्टिंग से पहले जैसी रवीना रही कहीं मिसिंग। लेकिन हाँ, मैडम को देखने में कितने दर्शक रहते हैं दिलचस्पी, इसका अंदाजा जरूर लगाया गया। जी हाँ, 90 की हिट एक्ट्रेस रही रवीना टंडन भी शादी के बाद अपना कमाल नहीं दिखा सकी, यहाँ तक बतौर एक्ट्रेस भी उनका जादू नहीं चल पाया। चाहे कहे पहचान, सैंडविच, बुड्ढा होगा तेरा बाप और बॉम्बे वेलवेट, इन फिल्मों को देख शायद मैडम की डिमांड अब बॉलीवुड में उतनी नहीं। लेकिन मैडम, आप बॉलीवुड की गलियारों से जुड़े रहिए, यही है हमारी दुआ। अब बात करते हैं अपने नीली नीली आंखों का जादू बॉलीवुड में चलाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन की, जिनके आंखों का जादू 5 साल बाद कुछ कमाल नहीं दिखा सका। अपने कजरारे नैनों से सबके दिलों में राज करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन, जिस तरह शादी से पहले सबके दिलों को डुबोकर बॉलीवुड में टिकी रही, उस तरह इस बार मैडम का कमबैक किसी के दिलों को छू ना सकी, और इस तरह इनको लगा जोर का झटका। जी हाँ, डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म जज्बा के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन 5 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर चुकी हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या उनका कमबैक श्रीदेवी और काजोल की तरह सक्सेसफुल हुआ, या फिर बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह उन्हें भी फ्लॉप का सामना करना पड़ा। वेल, ऐश के जज्बा में उतना जज्बा नहीं दिखा, लेकिन खबरों के मुताबिक ऐश ने कई और फिल्में साइन कर दी है। अब देखना होगा कि मैडम के लाइफ में पहली तरह वो कामयाबी गूंज पाती है भी या नहीं।
बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस है फ्लॉप लिस्ट में शामिल. शी इज नन अदर देन सोनाली बेंद्रे, जिनकी किस्मत शादी से पहले भी उनका साथ कम देती दिखी और शादी के बाद भी. टैलेंट शोज की जज रह चुकी सोनाली बेंद्रे दूसरे के टैलेंट को जज करते करते अपने टैलेंट को ज्यादा अच्छे से पहचान नहीं पाई, या यूं कहे इस मामले में थोड़ी पीछे रह गई. बता दे सोनाली शिल्पा की तरह बॉलीवुड की एक एवरेज एक्ट्रेस रही है, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और कई फिल्मों में जैसे चोरी चोरी कल होना हो और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा बतौर सेकंड लीड नजर आई. हालांकि इसमें भी उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुई, लेकिन हाँ टैलेंट शो को जज करते करते जज की कुर्सी में जमकर बैठना जरूर सीख गई. काश मैडम एक्टिंग करियर में इतना फोकस करती तो वो कभी ना कभी जरूर सक्सेसफुल के कैटेगरी में शामिल होती. फिलहाल बॉलीवुड स्पेशल में इतना ही. बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ. बाय एंड टेक केयर. We'll be right back.